हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और वीडियो लेकर आए आपके लिए। रेंज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x हमें किसी फिक्स डोमेन में दिया है, x बिलोंगिंग टू a टू b, तो फिर कोई लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल की रेंज हम कैसे निकालेंगे, ये हमको सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, और x मुझे बोला है माइनस वन से टू के बीच में है। तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि x की मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, यहां रख दिया जाए, और x की मैक्सिमम वैल्यू टू है, उसको रख दिया जाए, तो ये दो वैल्यूज जो मिलेंगी उससे हमें रेंज मिल जाएगी। लेट अस चेक ऐसा होता है कि नहीं। मैंने f माइनस वन रख दिया तो मुझे f ऑफ माइनस वन मिलेगा माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो अपॉन माइनस टू दैट विल बी जीरो, और एफ ऑफ टू मुझे मिल जाएगा, टू रख देंगे तो थ्री टू प्लस वन, मैं यहां पर लिखता हूं आपके लिए टू प्लस वन अपॉन टू माइनस वन दैट विल बी थ्री। तो आपको लग रहा होगा कि आपकी रेंज जीरो से थ्री आ गई, ठीक है, यू मे फील दैट वे। इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स की वैल्यूज जीरो से थ्री तक सारी वैल्यूज हो सकती है। इसका मतलब एफ एक्स वन भी हो सकता है। तो लेट अस चेक एफ एक्स वन हो सकता है कि नहीं। अगर मैंने एफ एक्स को वन ले लिया, यहां से कोई वैल्यू एफ एक्स को वन ले लिया, तो वन हो गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। इसको यहां ले गए तो एक्स माइनस वन मिल गया एक्स प्लस वन, मतलब माइनस वन इक्वल टू वन। ये एक ऑब्जर्व रिजल्ट है, यानी एफ की वैल्यू वन नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल की रेंज ऐसे नहीं आएगी। यह बात आपको समझ में आ रही है। तो जब मैंने x को माइनस वन से टू के बीच में दिया, तो आपने माइनस वन और टू के लिए एफ एक्स की वैल्यूज निकाल ली, और आपने सोचा ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, तो मेरी रेंज जीरो से थ्री आ गई। फिर हमने क्रॉस चेक किया तो आंसर रॉन्ग आया, वन इसकी रेंज में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये जो रेंज हमने निकाली है रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या प्रॉब्लम हुई है ये हमको सोचना है बच्चों। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल की रेंज ऐसे नहीं आएगी जैसे हम सोच रहे थे, ये इतना सिंपल नहीं है। तो बच्चों, इस चीज का अगर आपको कॉन्सेप्ट लेना है तो पहले आपको बहुत डीप इसमें उतरना पड़ेगा, और आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे आएगा, इस बात को हम समझें। क्योंकि ग्राफ, अ पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड वर्ड्स। अगर आपने किसी भी चीज का ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो बहुत सारी बातें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो सपोजिंग मुझे एफ एक्स दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अब वो बातें अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो एक्स विल नॉट बी माइनस डी अपॉन सी, उन सब पे आप मत जाइए, दैट इज ओके, वो सब बातें अंडरस्टूड हो गई। तो पहले मैं क्या करता हूं, ये देखता हूं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब बनेगा। उसके लिए मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा। जहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहां पे उस रीजन में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहां पर एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा वहां पे ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। मुझे पता है कि इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक्स शुड नॉट बी माइनस डी अपॉन सी, नहीं तो नीचे जीरो आ जाएगा। तो बच्चों ये बात आपको समझनी है कि जब मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। माइनस डी अपॉन सी वैल्यू सपोजिंग वो यहां पर आ रही है, ये मेरे पास माइनस डी अपॉन सी है, तो ये लाइन जो होगी मेरी, ये ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगी। थोड़ी और डार्क बनाता हूं आपके लिए। ये जो लाइन मेरे पास है एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, ये मेरे ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगी, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पे ये माइनस डी अपॉन सी है एक्स की वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे ग्राफ में इंक्लूड नहीं होंगे, बिकॉज ऐसा करने से नीचे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये लाइन एक्चुअली आपकी ग्राफ की एसिम्प्टोट बनेगी। एसिम्प्टोट किसको बोलते हैं, अ लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी। अ लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी को हम एसिम्प्टोट बोलते हैं। आपको मालूम होगा एसिम्प्टोट्स क्या होता है, मैं एज्यूम करके चलता हूं, आपको पता है एसिम्प्टोट क्या होता है।
तो ये मेरी एसिम्प्टोट हो गई। एनीवे अब हम पहले एफ डैश एक्स निकाल के देखते हैं कि हमारा ग्राफ कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। देखो एफ डैश एक्स कितना होगा, डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो गया सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा ए, देन माइनस ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा सी, एन अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया ए सी एक्स प्लस ए बी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ए सी एक्स कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये मेरे पास एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि जब ए डी ग्रेटर देन बी सी होगा तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जब ए डी लेस देन बी सी होगा तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा और मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। लेट अस ट्राई टू प्लॉट। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाऊंगा, ये मेरे पास है एफ एक्स की जगह मैं वाई लिख देता हूं, वाई मेरे पास है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये बात हो गई। तो यहां पर मैं कंप्लीट कर दूं कि अगर ए बी मोर देन बी सी हुआ तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो सॉरी ए डी ग्रेटर देन ए बी मोर देन बी सी, ये बात हो रही है। तो इसका मतलब ए अपॉन बी मोर देन और सॉरी डी अपॉन सी लेस देन ग्रेटर देन बी अपॉन ए हो, मैं अज्यूम कर रहा हूं सारी चीजें पॉजिटिव है, तो मेरा फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। तो मेरी एक्स की वैल्यू जब तक d अपॉन सी विल बी मोर देन b अपॉन ए, मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, जब d अपॉन सी लेस देन b अपॉन ए हो जाएगा तो मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये बात समझ में आई। अब देखो मैंने इसको y लिख लिया है, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। अगर मैं x को जीरो लूंगा, यानी मैं देखना चाहता हूं कि मेरा ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, x को जीरो ले लिया तो y हो गया b अपॉन d, assuming all positive है, supposing b अपॉन d वैल्यू यहां पर आ गया, तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास जीरो b अपॉन d, अगर b अपॉन d नेगेटिव है तो यहां पर आ जाएगा, सिंपल एज इट। तो मान लीजिए मैंने ये पॉइंट यहां पे ले लिया, कहीं पर आ गया वाई एक्सिस पे, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, उसके लिए मैं वाई को जीरो करूंगा, वाई को जीरो करूंगा तो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी जीरो हो गया, तो ए एक्स प्लस बी जीरो हो जाएगा, तो x मेरे पास आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो सपोजिंग ये पॉइंट आ गया माइनस बी अपॉन ए ऑन x एक्सिस, तो मेरा ग्राफ यहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, और ये लाइन एसिम्प्टोट है, ये बात हो रही है। अब अगर मैं मान रहा हूं कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ए डी ग्रेटर देन बी सी है, मैंने ऐसा मान लिया ए डी ग्रेटर देन बी सी है मान लीजिए, तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा हमेशा। तो अगर ए डी ग्रेटर देन बी सी है तो माय ग्राफ विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो मेरा ग्राफ यहां से पास होगा, यहां से पास होगा इधर, तो मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा, माय ग्राफ कैन गो लाइक दिस, ये बात होगी, ये एसिम्प्टोट है, मतलब इस ये मेरा कर्व इस लाइन को इंफिनिटी पे टच करेगा और फिर मेरा ग्राफ इधर ऐसे आएगा, ये बात होगी। ये एक्स को कट नहीं कर सकता बिकॉज हमारे पास एक ही रियल रूट है, ऑलरेडी एक बार कट कर चुका है, तो ये ग्राफ ऐसे जाकर के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे पास सेकंड रियल रूट आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वाई की वैल्यू जीरो की तो हमें एक्स की एक ही वैल्यू मिली है, इसलिए मेरा ग्राफ ऐसे रहेगा और ऐसे कट करके ऊपर नहीं जाएगा, ये एसिम्प्टोट से स्टार्ट होगा नीचे माइनस इंफिनिटी से इंक्रीज होगा और इस तरह से जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ग्राफ मैंने इंक्रीजिंग बनाया है हमेशा, ये लाइन को एसिम्प्टोट बना लिया, इस तरह से बात होगी। यहां पर माइनस डी अपॉन सी पर मेरे वाई की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है, अनडिफाइंड हो गई है, इंफिनिटी हो गई है, और यहां पे माइनस इंफिनिटी हो गई है, इससे थोड़ा सा कम इंफिनिटी, इससे थोड़ा सा ज्यादा पे माइनस इंफिनिटी। तो बेटा आपको समझना यह है कि सबसे पहले जब आप लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज निकालने की कोशिश करें, रेंज निकालने की कोशिश करें, तो आप सबसे पहले यह सोच लीजिए कि यह नंबर एक्स की कौन सी वैल्यू पे जीरो हो रहा है, यह डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो कब हो रही है, कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए, वो प्लॉट कर लीजिए माइनस डी अपॉन सी। अगर आपका जो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, जैसा हम बोलते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी,
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी, सपोजिंग या पी क्यू दे दिया आपको, एक्स जो है पी से क्यू के बीच में दिया हुआ है, अगर ये नंबर माइनस डी अपॉन सी पी क्यू के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि मे भी आपका पी पॉइंट यहां पर होगा और क्यू पॉइंट यहां पे कहीं पे होगा, इस तरह की बात हो रही है। यानी ये जो नंबर मैं जीरो कर रहा हूं एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, वो पी और क्यू के बीच में आ रहा है तो आपकी चीज ऐसे बैठेगी। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, पी पर वैल्यू निकालनी है, ये एफ पी हो जाएगी, ये हाइट एफ पी हो जाएगी मेरे पास, क्यू पे वैल्यू निकाल लीजिए, ये मेरे पास हाइट एफ क्यू हो जाएगी, ये हाइट, आप वैल्यूज कंपेयर कर लीजिए, एफ पी ले लीजिए और एफ क्यू देख लीजिए कितना है, एफ पी और एफ क्यू देख लीजिए कितना है, तो आपको पता है कि ये एफ पी पॉजिटिव है और यहां तक हम जैसे जाएंगे तो वैल्यू कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक। तो एक मेरे पास रेंज का आंसर आएगा एफ पी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, और ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये माइनस में है, ये माइनस इंफिनिटी में, तो एक आंसर आएगा मेरा एफ क्यू से माइनस इंफिनिटी तक, इस तरह से आप सोचेंगे। तो आपका जो आंसर है वो एफ पी और एफ क्यू नहीं आएगा, मतलब पी और क्यू के लिए जो वैल्यूज निकल रहे हैं वो आंसर में नहीं आएगा। आपका आंसर कैसे आएगा, एफ पी पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, फिर जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं वैल्यू कहां तक गई, इंफिनिटी तक गई, फिर आगे गए तो माइनस इंफिनिटी पर आ गई, फिर यहां पे एफ क्यू पे चले गई। तो मेरा रेंज कैसे आएगा, एफ पी से लेके इंफिनिटी तक और एफ क्यू से लेके माइनस इंफिनिटी तक, इस तरह से आपको सोचना है। तो अगर आपका जो एक्स है, एक्स का जो डोमेन दिया है उसमें ऐसा नंबर आ रहा है जिससे ये चीज जीरो हो जाएगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, फिर आपको इसमें चेक करना है ये बीच में जीरो आ रहा है, यहां पे एक्स की वैल्यू अगर रखेंगे हम, ये सी एक्स प्लस डी को जीरो करेंगे, एक्स को माइनस डी अपॉन सी लेंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी, तो फिर आंसर एफ पी से एफ क्यू नहीं आने वाला है, फिर आंसर होगा एफ पी से इंफिनिटी, एफ पी से इंफिनिटी और एफ क्यू से माइनस इंफिनिटी, ये बात है। अगर इस पी क्यू में ये नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा है, मान लीजिए ये नंबर एफ पी होता और अब मैं इस क्यू को हटा देता हूं यहां से, अगर क्यू यहां पे दिया होता, मतलब ये जो नंबर माइनस डी अपॉन सी है वो पी क्यू के बीच में नहीं आता, तो आप एफ पी निकाल लीजिए, एफ क्यू निकाल लीजिए, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो एफ पी और एफ क्यू तक जाएंगी, ये बात है। तो लीनियर अपॉन लीनियर का जब आप रेंज निकाल ले जाए, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपको जो एक्स का डोमेन दिया हुआ है क्या वो सारी वैल्यूज में ये नंबर कभी भी जीरो हो सकता है क्या, सी एक्स प्लस डी, अगर हो सकता है तो आपको ग्राफिकली इसको ड्रॉ करके सोचना है कि कौन सी वैल्यू मिनिमम, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम, और फिर उसमें इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आपको इंक्लूड करना है। और अगर जो पी क्यू आपको दिया हुआ एक्स के बारे में उसमें ये नंबर माइनस डी अपॉन सी इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको बताया फिर एफ पी और एफ क्यू दोनों में से एक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये बात है। इसी तरह से ए डी माइनस बी सी अगर लेस देन जीरो होगा तो आपका ग्राफ डिक्रीजिंग आ जाएगा, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो बात तो वही रहेगी लेकिन मैं करें आपको देख के बता रहा हूं, अगर ए डी माइनस बी सी लेस देन जीरो हुआ तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, उसका शेप कैसा आएगा उसको देख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, अगेन ये जीरो कब होगा, माइनस डी अपॉन सी पर, तो ये वैल्यू मैंने ले ली माइनस डी अपॉन सी, और ये मेरी फिर एसिम्प्टोट बन जाएगी, ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे ग्राफ में, y को जीरो करेंगे तो x हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए और जीरो, ये पॉइंट आ गया ग्राफ पे, और अगर मैंने x को जीरो किया तो y हो गया b अपॉन डी, तो ये पॉइंट आ गया जीरो b अपॉन डी, ये बात हो गई। तो मेरा ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है, यहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है। अब थोड़ा आपको सोचना होगा, मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये एसिम्प्टोट है, यहां से पास होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे डिक्रीजिंग बनाना है तो यहां से ऐसे पास होगा, दैट मींस ये पॉइंट ऊपर नहीं आएगा, ये पॉइंट कंपलसरी नीचे आएगा, जीरो बी अपॉन डी, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो फिर आपका ग्राफ ऐसे जाएगा माइनस इंफिनिटी तक और फिर यहां पर इस तरह से जाएगा, ये आपका ग्राफ हो गया। तो अगेन यहां पर भी वही बात है, अगर आपने P और Q लिया, ये P पॉइंट ले लिया, ये Q पॉइंट ले लिया, P और Q के बीच में माइनस डी अपॉन सी आ रहा है, तो एफ पी पर ये वैल्यू आ रही है, एफ क्यू पर ये वैल्यू आ रही है, तो आपकी रेंज क्या बनेगी, एफ पी से लेके माइनस इंफिनिटी तक, और यहां पर रेंज क्या बनेगी, एफ क्यू से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ऐसा आपको सोचना है।
जैसे जैसे आप पी से क्यू पर जा रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज चेक कर रहे हैं फंक्शन की, तो पी पर ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, फिर आगे गए धीरे धीरे, यहां पहुंचे तो माइनस इंफिनिटी हो गई, इधर से आगे गए तो प्लस इंफिनिटी से लेके कहां तक पहुंच गई, एफ क्यू तक पहुंच गई। तो एक आंसर आएगा एफ क्यू से लेके प्लस इंफिनिटी, और एक आंसर आएगा एफ पी से लेके माइनस इंफिनिटी तक, यहां से लेके यहां तक, ये आपका आंसर आएगा। वो तब होगा जब माइनस डी अपॉन सी पी और क्यू के बीच में आ रहा है, और अगर माइनस डी अपॉन सी पी और क्यू के बीच में नहीं आ रहा है, क्यू पॉइंट यहां पे नहीं है, क्यू पॉइंट यहां पे दिया हुआ है आपको, तो ये हो गया आपका एक वैल्यू एफ पी और ये वैल्यू हो गया एफ क्यू दूसरा वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम, इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। एफ पी एफ क्यू निकाल लीजिए, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम आपका रेंज हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव साइड में है तो ये मिनिमम होगी ये मैक्सिमम, तो एफ क्यू मिनिमम एफ पी मैक्सिमम, एफ क्यू से एफ पी तक ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ग्राफ से समझाया बच्चों के लीनियर अपॉन लीनियर की जब रेंज निकालनी है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एक्स का जो आपको डोमेन दिया हुआ है पी से क्यू, क्या उसमें ऐसा नंबर आ रहा है जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें थोड़ा ग्राफ से चेक करना पड़ेगा, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम एग्जांपल लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें कॉपी कर सकते हैं, नोट जरूर बनाइए, ठीक है। अब देखिए, मैंने सबसे पहले आपको समझ दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं करेक्टली रिमाइंड रिमेंबर करता हूं तो इस तरह से था एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस वन से टू, शायद इस तरह का क्वेश्चन था पहले। तो आप देख सकते हैं ये नंबर माइनस वन हो जाएगा, ये नंबर एक्स इक्वल टू माइनस वन पे जीरो हो जाएगा, और माइनस वन हमारी रेंज एक्स के डोमेन में दिया हुआ है, दैट मीन्स एफ माइनस वन से मिनिमम और एफ टू से मैक्सिमम वैल्यू मुझे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसमें बीच में ऐसा नंबर आ रहा है जिससे ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब मैं क्या सोचूंगा, अब मुझे क्या सोचना है कि मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब थोड़ा सा याद रख लीजिए, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है, ए डी माइनस बी सी अगर पॉजिटिव है, दिस माइनस दिस डिटरमिनेंट में जैसे करते हैं, तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ए डी माइनस बी सी अगर लेस देन जीरो है तो मेरा एफ डिक्रीजिंग है। यहां पर ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस वन है, सी की वैल्यू वन है, डी की वैल्यू वन है, तो मेरा ए डी माइनस बी सी, ए हो गया वन, डी हो गया वन, बी हो गया मेरे पास माइनस वन, और सी मेरे पास हो गया वन, तो वन प्लस वन ये मेरे पास टू आ गया, तो मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये मुझे समझ पाया। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मुझे मालूम है एक्स इक्वल टू माइनस वन ये मेरा एजम्प्टोट बनेगा, नीचे जीरो कर दिया ये मेरा एजम्प्टोट है, माइनस वन वाला पॉइंट ये मेरा एजम्प्टोट है। अगर मैं एक्स को जीरो कर दूंगा तो एफ कितना आएगा मेरे पास, एक्स को जीरो कर देंगे तो एफ कितना आएगा, माइनस वन, तो मेरा ग्राफ यहां से पास होगा जीरो माइनस वन से। और अगर मैं वाई को जीरो कर दूंगा, इसको मैंने वाई मान दिया तो एक्स वन हो जाएगा, तो वन मतलब ये चीज, तो वन जीरो मेरा ग्राफ यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, और ये एसिम्प्टोट हो गई, मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बात मुझे समझ में आ रही है। दैट मींस मेरा ग्राफ कैसे होना चाहिए बच्चों, ऐसे जाना चाहिए, इंक्रीजिंग है ये एसिम्प्टोट है मेरे पास, तो इसको ऐसा कर लेंगे, ये एसिम्प्टोट इंक्रीजिंग है, ऐसे चला जाएगा, ये बात हो गई। ओके जीरो माइनस वन, सॉरी आई एम मिस्टेकन बेटा, जीरो माइनस वन नीचे आएगा, सॉरी जीरो माइनस वन, सॉरी, तो मेरा ग्राफ ऐसे आ जाएगा, एसिम्प्टोट टच नहीं करना चाहिए, इंक्रीजिंग है ऐसे बना लेंगे, और फिर ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, तो ये मेरा ग्राफ हो गया। मैंने ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें सम की समझ आएगी, मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया। तो क्या करना है, पहले इसको जीरो करके एसिम्प्टोट आइडेंटिफाई कर लेना है, कौन सी वर्टिकल लाइन आएगी, एक बार एक्स को जीरो करो और एक बार वाई को जीरो करो, इसको वाई मान लीजिए तो आपको पॉइंट्स पता चलेंगे एक्स और वाई एक्सिस के, जहां पे आपका ग्राफ कट होगा। AD माइनस BC निकाल लीजिए तो पता चलेगा आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो हमारा ग्राफ इस तरह से आ गया, ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। अब वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस वन पे, माइनस वन से, सॉरी ऐसा करता हूं मैं, इसको माइनस टू कर लेता हूं, ठीक है, माइनस टू से टू, तो इस तरह से, तो माइनस टू कर लिया मैंने, इसके बीच में मेरे पास माइनस वन आ गया है। माइनस टू पे आंसर कितना आएगा मेरे पास, देखिए ये माइनस टू, ये माइनस वन था, माइनस टू पे कितना होगा, माइनस थ्री, मैं निकाल रहा हूं यहां पे एफ ऑफ माइनस टू,
ये हो गया माइनस थ्री अपॉन माइनस टू प्लस वन माइनस वन यानी कि थ्री, तो माइनस टू का आंसर थ्री आएगा। ये मेरे पास साइड आ गई थ्री और फिर टू तक दिया हुआ है तो ये मैंने पॉइंट टू जीरो ले लिया। एफ टू पे आंसर कितना आएगा, टू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, टू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन तो वन अपॉन थ्री, तो मेरे पास ये जो आंसर है कितना आ गया वन अपॉन थ्री। ऐसी बात होगी तो मेरे पास माइनस टू पे थ्री आ गया और टू पे वन बाय थ्री आ गया, ये हाइट मेरे पास वन बाय थ्री आ गई, ये हाइट वन बाय थ्री। तो मैं जैसे ऐसे माइनस टू से यहां जा रहा हूं तो वैल्यू थ्री से कहां जा रही है इंफिनिटी पर, और फिर यहां से यहां जाऊंगा तो माइनस इंफिनिटी से कहां पे जाएगी वन बाय थ्री पर। तो मेरा आंसर रेंज का कितना आएगा, रेंज का आंसर आएगा मेरे पास ये वैल्यू कितनी है थ्री, थ्री से इंफिनिटी यूनियन ये माइनस इंफिनिटी से वन बाय थ्री, तो माइनस इंफिनिटी से वन बाय थ्री इंक्लूडेड, ये हमारा आंसर आ गया। ये नंबर इंक्लूडेड है, ये नंबर इंक्लूडेड है, इसलिए वन बाय थ्री और थ्री इंक्लूड हो जाएंगे, हमारा आंसर इस तरह से आएगा थ्री से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से वन बाय थ्री, ये बात है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर जो मुझे एक्स का डोमेन दिया हुआ है उसमें ऐसा नंबर आ रहा है जिसकी वजह से यह जीरो हो जाएगा तो आपको क्या करना है, पहले ग्राफ ड्रॉ करके देखना है, एग्जांपल बना लीजिए, एक्स और वाई की पोजीशन देख लीजिए, कौन से पॉइंट्स पे एक्स और वाई के ग्राफ कट होंगे, एडी माइनस बीसी से देख लीजिए इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ड्रॉ द ग्राफ एंड देन चेक आउट। अब अगर आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आंसर चाहिए, आपको यह भी चेक नहीं करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आप क्या कर लीजिए, देखो डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करना है, डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करेंगे, देखो ये सब मत करिए, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, अगर ये सब नहीं करना है, आपको मालूम चल गया है कि इसमें माइनस का नंबर आ रहा है जिसकी वजह से जीरो होने वाला है, इसका मतलब मेरा आंसर डायरेक्टली एफ माइनस टू और एफ टू तक नहीं जाएगा, यह बात आपको समझ में आ गई है। एफ माइनस टू और एफ टू पे हमारी रेंज आएगी ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज इसमें माइनस होना आ रहा है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आप क्या करिए, एफ माइनस टू निकाल लीजिए, एफ माइनस टू कितना आएगा, माइनस टू माइनस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन माइनस वन यानी कि थ्री, और एफ टू पे वैल्यू कितना आ जाएगा टू पे, देख लीजिए टू माइनस वन अपॉन, तो ये ज्यादा वैल्यू आई है ये कम वैल्यू आई है, तो आप इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, ये मेरे पास वन बाय थ्री आ गई और ये मेरे पास थ्री आ गई। अब बिकॉज यहां पे जीरो हो रहा था तो आप क्या करेंगे, ये आंसर नहीं लेंगे, ये आंसर नहीं लेंगे, माइनस टू से टू तक आंसर नहीं लेंगे, बिकॉज एक्स इक्वल टू माइनस वन पे जीरो हो रहा था, तो आप क्या करेंगे ग्राफ ये वाला लेंगे यानी माइनस इंफिनिटी से वन बाय थ्री और थ्री से इंफिनिटी, ये बात। तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए आपको आंसर कैसे निकलना है वो मैंने अब आपको समझाया, पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो आपको एक्स का डोमेन दिया हुआ है क्या उसमें ऐसा नंबर आ रहा है जहां पर ये जीरो हो रहा है, आ रहा है, तो फिर आपका आंसर एफ माइनस टू से एफ टू तक आपका रेंज नहीं बनेगा। आप एफ माइनस टू एफ टू निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, निकाल लिया आपने, एक की वैल्यू थ्री आई एक की वन बाय थ्री, इनको नंबर आई प्लॉट कर लीजिए, अब ये आपका आंसर नहीं होगा बिकॉज बीच में माइनस वन आ रहा था जहां पर एफ एक्स क्या हो जाएगा जीरो, तो आप ये और ये ले लीजिए, ये आपकी रेंज आ जाएगी। एक और सम देखते हैं डायरेक्टली करने के लिए, देखते हैं आपको चीज समझ में आ रही है कि नहीं, देखो सपोजिंग मैंने कहा एफ एक्स जो है वो टू एक्स प्लस थ्री है अपॉन एक्स माइनस टू है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वन से फोर, सपोजिंग ऐसे लिया, अगेन यू कैन सी टू पे जीरो हो जाएगा और टू इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो अब हम आंसर कैसे निकालेंगे, F1 निकालेंगे पहले, F1 निकालेंगे तो 2 प्लस थ्री फाइव और 1 माइनस टू माइनस वन, तो ये वैल्यू माइनस फाइव आ गई। F4 निकाल लीजिए, 8 प्लस थ्री इलेवन, 4 माइनस टू टू, तो 11 अपॉन टू दूसरा आंसर आ गया, ये लेसर वैल्यू आई ये मोर वैल्यू आई, इनको प्लॉट कर लीजिए, ये माइनस फाइव आ गया ये 11 बाय टू आ गया, आपका रेंज यहां से यहां चला जाएगा, मतलब आंसर बनेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव इंक्लूडिंग, बिकॉज ये नंबर इंक्लूडेड है ये भी इंक्लूडेड है, यूनियन कितना हो जाएगा 11 बाय 2 से इंफिनिटी, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से बात है, अगर ऐसा नंबर बीच में आ रहा है जहां पर एफ एक्स क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, तो इस तरह से आप आंसर निकालेंगे। एक और देखते हैं
ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि रेंज डायरेक्टली कैसे निकालनी है इवन विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ। लेकिन ग्राफ में आपको इसलिए सिखाया कि आपको कॉन्सेप्ट पता चले कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। सपोजिंग एफ एक्स मेरे पास 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 है और मैंने कहा x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 2। अब ये जीरो हो जाएगा x इक्वल टू हाफ पे, हाफ इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, f माइनस 1 निकाल लेंगे, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये हो गया 5/3। f ऑफ 2 निकाल लेंगे, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 1 3, 4/3। ये कम वैल्यू है, ये ज्यादा वैल्यू है, इनको प्लॉट कर लीजिए। ये 4/3 इंक्लूड हो रही है बिकॉज ये दोनों इंक्लूडेड है, ये 5/3 और आपका रेंज यहां से लेके यहां तक आंसर बनेगा माइनस इंफिनिटी से 4/3 यूनियन 5/3 से इंफिनिटी, ये बात हो गई। तो इस तरह से ऐसा नंबर इंक्लूड हो रहा हो जहां पर ये डिनोमिनेटर जीरो होता हो तो रेंज कैसे निकालनी है वो मैंने आपको समझाया। अब अगर इसी सम में मुझे x दिया होता, सपोजिंग 3 से लेके 5 तक, सपोजिंग बोला होता 3 से लेके 5 तक, तो मुझे मालूम है x इक्वल टू r इसमें नहीं आ रहा है, तो आप f3 निकाल लीजिए। f3 कितना आएगा, 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 1 5, और f5 कितना आ जाएगा, 15 माइनस 2 13, 10 माइनस 1 9, ये हो गया। तो एक वैल्यू आ गई 7/5 और एक आ गई 13/9। अब मुझे मालूम है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। देखो सपोज ही मैंने मान लिया 7/5 बड़ा है 13/9 से, कंफ्यूजन हो रहा है चेक करने में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो एक को बड़ा मान लीजिए एक को छोटा। अगर ऐसा है तो ये यहां पे जाएगा, 63 विल बी मोर देन 65, ये इधर चला गया, ये रॉन्ग कंक्लूजन है। दैट मीन 7/5 13/9 से छोटा है, ये बात हो गई। तो मैं मालूम चल गया कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, इसको प्लॉट कर लीजिए, इसको प्लॉट कर लीजिए। छोटा नंबर 7/5 है और बड़ा नंबर मेरे पास 13/9 है, तो आपकी रेंज ये आएगी, क्योंकि यहां पर ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो होता, तो फिर यहां से यहां तक आपकी रेंज आ जाएगी। तो ये डिफरेंस है दोनों सम्स में, आंसर आपका आ जाएगा 7/5 टू 13/9, ये आपका आंसर रहेगा। एक और एग्जांपल कराता हूं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो सपोजिंग मुझे बोला गया हो 1 माइनस 4x अपॉन 5x प्लस 2 और मुझे बोला हो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक। अब ये जीरो होगा माइनस 2 अपॉन 5, 5x प्लस 2 को जीरो करेंगे तो x आएगा माइनस 2 अपॉन 5, माइनस 2 अपॉन 5 इसमें नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली f1 निकाल लीजिए। f1 1 माइनस 4 माइनस 3, 5 प्लस 2 7, और f3 निकाल लीजिए 1 माइनस 12 माइनस 11, 15 प्लस 2 17। अगेन यू हैव टू चेक, ये छोटा है कि ये बड़ा है, तो ऐसा मान लीजिए सपोजिंग 3/7 ये बड़ा है माइनस 11/17 से, सपोजिंग ऐसा मान लिया, तो देयरफॉर 3/7 विल बी लेस देन 11/17, मल्टीप्लाई करिए 51 लेस देन 70 प्लस, है ना, ये 317 था 51, 711 था 71, ये करेक्ट कंक्लूजन है, 51 77 से छोटा होता है, इसका हमने जो अज्यूम किया वो करेक्ट अज्यूम किया, माइनस 3/7 इससे बड़ा होगा। इस पर नंबर लाइन जब प्लॉट करेंगे तो माइनस 11/17 यहां पर आएगा और माइनस 3/7 यहां पर आएगा, हमारी रेंज ये हो जाएगी माइनस 11/17 से माइनस 3/7 तक, ये हमारा आंसर आएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको समझ में आया कि लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज इतनी इजी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे, इसको कैसे निकालना है, क्या क्या चेक करना है और इसका ग्राफ कैसा आता है वो मैंने आपको समझाया। होप आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, आपका इनसाइट इंप्रूव होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस फायदेमंद लग रहे हैं कि नहीं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।